वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु फतेह। आज मैं पूरी समूचे दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं साध्वी देवा ठाकुर आपको बता दूं कि मैं फैन भगत सिंह की क्यों हूं, सिख कौम का इतना मान करती क्यों हूं। सारे सवालों के जवाब हो सकता है आज एक ही संदेश से मिल जाए कि गौरवशाली उस सिख कौम को क्यों इतना मैं मान देती हूँ। सुनो ध्यान से, हरप्रीत सिंह जथेदार हरमंदर साहब, आज उनका बड़ा सोहना बयान आया, बड़ी सोहनी गल की थी कि परमात्मा ना करे कोई विपता आ जाए, अमेरिका च बसे ओ हिंदुस्तानी बच्चे, अगर कोई विपता आएगी तो हरमंदर साहब के से एक संदेश है कि वो गुरुद्वारों के गुल्लक खोल दिए जाएंगे, तो मान हुआ होगा शायद सिख कौम पे आज। दूसरी विशेष बात जो उन्होंने कही कि वहां की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने खालसा से यानी कि गुरुद्वारों से सहायता मांगी और बोला कि अगर कोई विपता आएगी तो लंगर की व्यवस्था ये गुरुद्वारों से और सिख कौम करेगी। कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा होगा ना। तीसरी एक और बात मैं बता दूं इसके साथ साथ, आज शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह आज देश की आजादी में इस खुली हवा की सांस में, और ये जो आप आजादी से घूम रहे हो ना, सरदार भगत सिंह भी सिख कौम से थे। और मैं कितनी बातें गिनाऊं, गुरु साहब ने पहले ही कहा सुचे सच्चे रहो, लेकिन कहां समझ में आता है। उन्होंने पहले ही कहा हाथ बन के सस्त्रीकाल बुलाओ, उन्होंने कब कहा कि तुम हाथ मिलाओ। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु फतेह। अगर आपको मेरी भावनाओं पे कोई शक ना हो, इस संदेश को दुनिया में जरूर पहुंचाना।